हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं आ गई हूँ मुंबई से, और मुंबई के सारे व्लॉग तो आप लोग ने देख लिए होंगे। ये है नया व्लॉग जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने जो खर्चा किया है मुंबई में उसका हम यूटिलाइज कैसे करेंगे और कैसे मैं अपना सेटअप बना रही हूँ। तो वो मैं आपको पूरा अपने इस व्लॉग के अंदर बताऊँगी, तो बहुत सारा मज़ा आने वाला है। एक्चुअली मैं आ गई थी, मुझे 2 दिन हो गए और मैं आकर मैंने बहुत अच्छे से नींद निकाली है। तो चलते हैं अपना सेटअप सेट करने के। तो मैं गई थी कैमरा मार्केट, आप लोगों को पता ही होगा, आपने ब्लॉग देखा होगा मे भी। और कैमरा मार्केट जाके मैंने अपनी सेटअप के लिए सारी चीज़ें परचेज कर ली है। अब हम उन चीज़ों का कैसे यूटिलाइज करेंगे आज इस ब्लॉग के अंदर मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले एक और चीज़ बताती हूँ, मुझे जो पर्दा लगाना था, जो कार्टन लगाना था, उसके लिए मैं जो डबल टेप होती है वो ढूंढने के लिए निकली थी। कितने 2 दिन तक घूमी हूँ मैं, मुझे नहीं मिली है। फाइनली जाके कुछ और ही हमने, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो नहीं मिली है तो कुछ और लेके आए। तो करते हैं हम लोग सेट। नई चीज़ें खरीदती, जितने नए कपड़े खरीदे थे उन सबको ठिकाने लगा दिए ताकि किसी को पता ना चले। आप लोगों भी किसी को बताना मत। तो आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा, देखो मैंने पूरा अपना कबाड़ जमा लिया है, और वो वाला भी थोड़ा सा बाकी है, वो मैं कर लूँगी। अभी मेरे रूम की हालत बहुत बहुत ज़्यादा गंदी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। लेकिन अब क्योंकि मुझे सेटअप करना है तो मुझे सब करना ही पड़ेगा सब कुछ। तो अभी हम लोग फटाफट सेटअप करते हैं, मैं जो जो चीज़ें लाई हूँ आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। तो चले, जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये देख लो, फिलहाल एक बार देख लें हम लोग कि इससे अगर काम बन जाए तो ठीक है, वरना फिर कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अभी देख लो, मैंने अभी मैं फटाफट इस पर जो डबल टेप है, ये जो बहुत अच्छी टेप है, उन्होंने बताया कि हो जाएगा काम, तो देखते लगा के, नहीं तो फिर और कुछ जुगाड़ करिए। ये रहा मेरा, थोड़ा सा काम हो चुका है और बाकी का अभी तक बाकी है। तो अब हम लोग सेट करेंगे रिंग लाइट और बाकी जो लाइट्स लाई है वो सारी हम लोग सेट करेंगे। तो चले आगे फटाफट, मेरे को लग रहा है एक बार मुझे और प्रेस कर देना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो एक बार फिर से प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग रिंग लाइट वगैरह सेट करते हैं। तो गाइस देख लो, पर्दा लग चुका है और मेरे रूम की बहुत ही गंदी हालत हो रखी है, और इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार फटाफट रूम को पहले क्लीन कर देते हैं ताकि हम लोग सब कुछ सेटअप कर सके, बिकॉज मेरे खुद के खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ, मेरे खुद के खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ पे, तो जल्दी से क्लीन कर देते वरना मम्मी मारेगी। नहीं मारेगी, हाँ टेंशन मत लो। हाँ मम्मी तो सबको मारती है यार, मुझे भी मारती है। तो जल्दी से हम लोग क्लीन कर देते हैं फटाफट, और उसके बाद में लाइट्स सारी सेट करेंगे। ठीक है, तो मेरी जीन्स में हो गई थी हालत ख़राब, क्योंकि मैं करने वाली आज अकेली हूँ, नाई मेड आई है। तो देख लो, थोड़ी बहुत तो सफाई कर ली होंगे, देखो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देख लो, क्लीन कर लिया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा बाकी है तो वो फटाफट कर देती हूँ मैं कंप्लीट। और देख लो, ये सामान सारा मैंने बाहर निकाल दिया। तो अब जल्दी से जितना बाकी है जल्दी कंप्लीट कर देते क्लीन। पूरा रूम क्लीन हो गया एकदम मस्त, देख सकते हो आप लोग। और ये रही मैं, तो फाइनली गए। ओप्स सॉरी, मुझे जो मिलता है मैं लगा लेती हूँ, आई एम सो सॉरी। तो कैसा लग रहा है यार मेरी, देखो हालत कैसी होगी, मैंने इतनी सफाई की कि मेरी हालत ऐसी होगी। एनीवेज छोड़ो वो सॉरी उसके लिए, वो मैं जो मुझे मिलता है वो मैं लगा लेती हूँ। चलो ठीक है, सफाई हो गई, आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी फटाफट हम लोग सेटअप करते, पहले सबसे पहले मैं देखो रिंग लाइट पड़ी है वहाँ पे। ना बहुत सारे इफेक्ट्स है, बहुत सारे, वो आप लोगों को वीडियो के अंदर पता चलेगी। तो फटाफट अभी सेटअप करते हैं हम लोग सब कुछ, और मजा आएगा बहुत सारा, फिर देखते हैं कैसा सेटअप होता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे आप लोग एक्साइटेड हैं मैं भी बहुत सारा एक्साइटेड हूँ। पर्दा लग चुका है, रिंग लाइट निकाल दिए, अब
सो गाइस पूरा सेटअप मैंने रेडी कर लिया है और आप लोगों को बताती हूँ, चले देखो बताती हूँ आप लोगों को, सब वीडियो शूट करती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सब कुछ कैसा लग रहा है। तो मैं जल्दी से एक वीडियो शूट कर देती हूँ मस्त अच्छा सा और फिर पता चले कि मैंने लाइट सारी सेटअप सही से की है या नहीं की है, ठीक है। फाइनली पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है और मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताना आप लोग, और बहुत मेहनत लगी है सारा सेटअप करने के लिए, लेकिन बहुत मज़ा आया क्योंकि आप लोग भी साथ में थे और मुझे ऐसा लगा था कि बस कोई ना कोई मेरे साथ में है। तो पूरा सेटअप हो चुका है और मुझे बहुत ज़ोर से लगी है भूख, बहुत जोर से, क्योंकि मैंने इतना काम किया है। हाँ लेकिन उससे पहले मेरी बहन का कॉल आ गया मुझे, तो मेरे बाल कैसे दिख रहे, लेकिन अब मुझे लगी बहुत जोर से भूख और उससे पहले मेरी बहन का आ गया कॉल कि मुझे ट्यूशन से लेने आ, तो मैं जा रही हूँ उसको लेने, तो अभी आके बात करती हूँ, बाय। आगे मैं जानवी को लेकर, और जानवी जस्ट अंदर गई है और वो बोली थी भूख लगी है, बट मैं तो बाहर का खाती नहीं हूँ और मैं खुद भी शॉर्ट्स के अंदर ही चली गई थी आज बाहर, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ भेल, लेकिन खाने वाली मैं हूँ आपके लिए नहीं, सॉरी आप लोगों को खाना है तो घर आ जाओ फटाफट, तो भेल बना रही मस्त चले भेल। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ भेल के लिए और बनाते चली भेल। हाँ यू नहीं ब्लॉग, तो अभी मैं भेल बना रही हूँ मस्त अच्छी सी, जानू तो खाएगी भेल? हाँ ठीक है, जानू को भी भूख लगी है तो फटाफट शॉपिंग करते हैं, टोमेटो और ककड़ी की प्याज वाली भी बना ली प्लेट भेल। तो गाइस भेल बन चुकी है बट किचन की हालत देख लो आप लोग, हम मैं अकेले साफ नहीं करने वाले, करना ही पड़ेगा, ये देख लो भेल रेडी है खाने के लिए और किचन की हालत देख लो आप लोग। और रूही को भी लगी है भूख, वो बैठी है बाहर कि मुझे भी कुछ मिलेगा खाने के लिए, अब किचन करेंगे अपन बाद में और फटाफट खा लेते हैं भेल चले। तो गाइस लाइट्स वाइट्स सब कुछ सेट कर दिया मैंने, अभी वापस एक बार ऑन कर दिया और पापा आ गए, तो पापा को बताते हैं हम लोग कि कितना खर्चा किया लाइक, और दिखाते हैं उनको कैसा लगता है, बिकॉज मैं अपने पापा से सब कुछ शेयर करती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, तो बताते हैं पापा को कि कैसा लग रहा है सब कुछ और क्या रिव्यू देते हैं वो लोग, तो पूरा व्लॉग आगे का भी शूट करूँगी, चले पापा आ गए। तो गाइस पापा आ गए और तो बस मैंने पापा को ये बोला था कि मुंबई से मैं बहुत बड़ा खर्चा करके आई हूँ सिर्फ अपन सब सेटअप के लिए, तो पापा ने पूछा था कि क्या लाया था, मैंने कहा सब कुछ सेट करने के बाद सब कुछ सेटअप हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो अभी चलते हैं, पापा आ गए शॉप से तो पापा को लेके आते ऊपर और उस पर मैं मारवाड़ी बोलने वाली हूँ, तो देख पापा को देने वाले हैं भाई, पापा को बताए कि कैसा लग रहा है सेटअप और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, अभी बाहर बहुत चिल्ला रहे तो जल्दी से चलते हैं पापा को ऊपर लेके चलते। मारवाड़ी थी कहाँ, मुंबई थी, मुँह कोई ले नहीं दिया आपने था खर्चो की दो, तो मैं पूरा सेटअप की दो बोल तो मैं आप ऊपर भरवा आ लो केरो की दो आ लो हाल बाबू चलो नहीं चलो 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 अभी तो जाओ अभी भी तो चलने का मौका मिले अब आओ जल्दी अभी भी तो चलने का मौका मिले चाहिए कि नहीं जल्दी आ ध्रुव खर्चा किया अब खर्चा आपको दिखता है कि नहीं दिखता है देखते हैं पावर ओवर टेकर जोरदार 50000 खर्च हो गए 50000 की 50000 पापा और पूरा देखो वी जेल लाइट है आ लाइट है वी जेल रिंग लाइट हमें हम पूरा सेटअप वो हमें वाला कोई टेंशन नहीं है वीडियो बना रही करो लगो मस्त लगो मस्त है मजा आइयो अलग 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 कलर लाइट्स लागे बढ़िया नहीं यार मस्त है आप सॉन्ग भी जो गावनो में मराठी में बोले नहीं बोले और पापा जी मराठी में से बात करूंगी तो कैसा लगा सेटअप एक नंबर मस्त मस्त ऑफ ठीक है सबको पसंद आ गया गरम लगेगा अभी सब बताऊंगी ना आपको और बड़ी बीच में बड़ी होगा और जो बड़ी बॉन्सों में तो गाइस मिलते हैं जल्दी से एक नए ब्लॉग के साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक शेयर कमेंट करना और
फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। कमेंट में जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। और नए ब्लॉग मिलते हैं। बाय, टेक केयर, बाय।